जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, 10 किलो देगी पुलाव। चिकन का देगी पुलाव है। 1 लीटर ऑयल हमने डाला हुआ है और दालचीनी डालेंगे 50 ग्राम, काली मिर्च डालेंगे 20 ग्राम, लौंग हमने लिए हुए हैं 5 ग्राम, वो ऐड कर देंगे इसमें। ज़ीरा लिया हमने 50 ग्राम, वो ऐड करेंगे, ज़ीरा साबुत है। इलायची हमने ली है 5 ग्राम साबुत ग्रीन वाली, वो डालेंगे। सौंफ हमने ली हुई है 30 ग्राम, सौंफ जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और तेज़पत जो है, ड्राई बे लीफ जो है, ये हमने लिया है 5 ग्राम, 10 से 15 पत्ते हैं इसके, वो ऐड करके हम थोड़ा सा मसाला अपना भूनेंगे। जैसे ही मसाला हल्का सा कलर देगा और खुशबू देना शुरू हो गया, ये मसाले की खुशबू जो है आना शुरू हो गई है। और अब हम अपना जो है प्याज हमने लिया हुआ है 3 kg, और ग्रीन चिली स्लाइस हमने करके रखी हुई है मोटी मोटी, कुछ मिर्ची की 2। जी यहाँ हम अपने प्याज को जो है अच्छे से भून लेंगे। हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो प्याज को देना है। अब 4 से 5 मिनट लगेंगे और हम तेज़ आग पे जो है इसको अपने प्याज को पका लेते हैं। जी जब तक हमारा अनियन ब्राउन हो जाता है, हम आपको मसाला बता देते हैं। कोरिएंडर पाउडर है, ब्लैक पेपर क्रश है 30 ग्राम, और ज़ीरा पाउडर है 25 ग्राम, धनिया पाउडर हमने लिया है 50 ग्राम, और गरम मसाला पाउडर जो है हमारा वो है 30 ग्राम। तो ये हम जब चिकन डालेंगे तो उस टाइम उसके साथ ही डाल देंगे। तो आपको बताने का मकसद था कि उस टाइम हम साथ डालेंगे ताकि लेट ना हो जाए। जी प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है, और हम 200 ग्राम जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ ही अपना 10 किलो जो चिकन हमने लिया हुआ है वो ऐड कर देंगे। जी चिकन हमने लिया हुआ है 10 केजी, वो ऐड कर देंगे। और चावल ऑलरेडी हमारे 10 केजी सेला चावल जो हम भीगे हुए हैं उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे जब तक हमारा चिकन बनता है। चिकन को जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल वगैरह वो सारी ख़त्म हो जाए। जी मिक्स मसाला जो आपको हमने पहले ग्रामेज बता दी थी वो ऐड करेंगे चिकन के साथ, और थोड़ी भुनाई करेंगे। यहाँ आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो है ना मसाला आपका जलना नहीं चाहिए, और प्याज भी जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। हमने चिकन की यखनी जो है वो 15 लीटर ऑलरेडी बना के रखी हुई है पहले से, अब हम वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब 10 से 15 मिनट जो है हम इसको पकाएंगे इसी हीट के ऊपर ताकि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ दे और यखनी जो है वो हमारी वो भी अच्छे तरीके से और मज़ीद पक जाए। 15 लीटर इसमें यखनी डालेंगे चिकन की। जी यखनी जो है हमारी वो रेडी हो रही है चिकन वाली। अब हम 200 ग्राम नमक लिया हुआ है, हमने सॉल्ट लिया हुआ है वो ऐड करेंगे। इसको चेक करेंगे, अगर मज़ीद सॉल्ट डालने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपको बताएंगे। और ग्रीन चिली साबुत यहाँ हम डालेंगे 300 ग्राम, और ये हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यखनी के साथ ग्रीन चिली और सॉल्ट को अच्छे तरीके से पकाएंगे, चिकन को पकाएंगे ताकि बड़ा अच्छा सा मज़े वाला जो है वो यखनी हमारी रेडी हो। जी 20 ग्राम जो है क्रश ब्लैक पेपर और डालेंगे हम लोग ताकि पुलाव थोड़ा हल्सा हमारा स्पाइसी हो। जी यखनी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है देगी पुलाव की हमारी, और माशाल्लाह देखें इसका कलर, इसका चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और सॉल्ट जो है टोटल हमने जो तकरीबन इसमें डाला है वो तकरीबन डाला है 350 ग्राम सॉल्ट। और जब भी आप नमक डालें चावल बनाते हुए तो सॉल्ट जो है ना आपको हल्का सा स्ट्रॉन्ग फील होना चाहिए, तभी जाके चावलों में नमक जो है बराबर होता है।
अभी 10 केजी चावल हमने से अपने स्ट्रेन करके रखे हैं, वो ऐड कर देंगे इसमें अपनी देग के अंदर हम लोग। जी अभी जो है चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और जब आप चावल डालेंगे तो तब आपने अपनी चूल्हे की आग जो है वो तेज़ रखनी है ताकि चावल जो है अच्छे से पक सके और पानी जो है मसलन जखनी जो है चिकन की जल्दी गर्म होनी, तो चावल जो है गलने का डर रहता है। अभी 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि चावल जो है मैं पानी जो जखनी जो है हमारी बॉयल हो जाए और चिकन हमारा जो है वो भी थिक हो जाए, पानी रिड्यूस हो जाए। तो तेज़ आग पे हमने जो है ना इसको पकाना है अभी। जी देखिए यखनी जो है ना हमारी बॉयल हो रही है और चावल जो है ना हमारे पक रहे हैं, अभी यखनी आस्ता आस्ता जो है वो ऊपर आ रही है। जी मज़ीद अभी जो है 4 से 5 मिनट पकाएँगे ताकि यखनी जो है हमारी अच्छे से जो है ना चावल जो है ऑब्ज़र्व कर लें और थिक हो जाएँ। फॉइल लगाएंगे, हल्का सा फॉइल के ऊपर जो है पानी आप हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे तो फॉइल अच्छे तरीके से जो है चिपक जाएगी। इस तरीके से आप पानी का जो स्प्रिंकल कर सकते हैं। फॉइल लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 20 से 25 मिनट के बाद जो है हम अपना दम खोलेंगे राइस अपने देगी पुलाव का, चिकन देगी पुलाव का। और अभी ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो हीट पर रख के जो है ना इसको दम लगाएंगे। इसी तरीके से आपने जो है रेसिपी ट्राई करनी है, हमारी रेसिपी आपने इस तरीके से ट्राई करनी है और हमें अपना फीडबैक देना है आपने बना के। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, अभी जो है हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए चावल जो है माशाल्लाह एक एक खिला हुआ और कितना लंबा राइस बना हुआ हमारा। अब हम जो है प्लेटर में सर्व करेंगे। जी माशाल्लाह पुलाव जो है हमने अपना देगी पुलाव जो है प्लेट में निकाल दिया। इस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं, गार्निश करके इसको सर्व कर सकते हैं। आपने टॉपिंग पे जो है ब्राउन ऑनियन लाजमी डालना है क्योंकि उससे एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और फ्रेश चॉप कोरिएंडर किया जो है वो आप गार्निश पे जो है डाल सकते हैं। और इस तरीके से जो है आपने सर्व करना है पुलाव अपना। और हमें जो है आपने फीडबैक लाजमी देना है जो आपसे इतनी मज़े की टेस्टी रेसिपी शेयर करते हैं कि आपने बना के कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका।